नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। विस्तार से हर खबर आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे खबरों के फटाफट अंदाज के साथ। भारत की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू का डंका, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला, इस लिस्ट में शामिल 15 गानों को पछाड़ा। म्यूजिक कंपोजर एमएम किरावनी इस अवार्ड को लेने पहुंचे, साथ में थे गीतकार चंद्र बोस। दोनों ने फिल्म आरआरआर के निर्देशक एस ए राजमौली को स्टेज से थैंक यू कहा। नाटू नाटू गीत लिखने वाले चंद्र बोस की पत्नी सुचित्रा बोस इस गाने को ऑस्कर मिलने से बेइंतहा खुश हैं, कहा यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। नाटू नाटू का ऑस्कर के स्टेज पर भी जलवा देखा, सिंगर काल भैरव और राहुल ने लाइव परफॉर्मेंस दी तो सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। फिल्म आरआरआर के लीड हीरो जूनियर एनटीआर ने नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर फैंस का आभार जताया, बोले ये एक फिल्म एक कलाकार की जीत नहीं पूरे देश। भारत की द एलिफेंट विस्परर्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, कार्तिक गोंजाल्विस के निर्देशन में बनी है फिल्म, पीएम मोदी ने बधाई दी। भारत के हाथ से निकला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड, भारत की ऑल दैट ब्रीथ्स रेस में थी, नवालनी को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। ऑस्कर समारोह में छाया दीपिका पादुकोण का लुक, ऑफ शोल्डर फिश कट ब्लैक गाउन पहनकर बिखेरे जलवे, ऑस्कर 2023 में भारत की ओर से प्रेजेंटर बने। इस साल बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने, जिसका निर्देशन किया है डेनियल क्वान और डेनियल शिनर्ट ने। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रैंडन फ्रेजर को द वेल के लिए मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिशेल यो को मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर की हुए कौन को उनकी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जेमी ली कर्टिस ने जीता है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड पिनोक्यो के लिए गिल्मरो डेल टोरो को मिला है, इस अवार्ड के लिए मार्सल द शेल विद द शूज पुस इन द बूट्स भी रेस में थे। प्रयागराज के उमेश पाल शूट आउट केस में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में नेपाल पहुंच गई है पुलिस की टीम, सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस की दो टीमें दो दिन से नेपाल में। माफिया असद की तलाश में यूपी पुलिस की टीमें नेपाल के पोखरा और काठमांडू में कर रही है छापामारी, 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश है असद। प्रयागराज के उमेश पाल शूट आउट केस में अतीक अहमद के गुर्गे बल्ली पंडित और सुधांशु को पुलिस ने हिरासत में लिया। वारदात से 5 दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन के साथ सीसीटीवी में नजर आया था बल्ली पंडित, 2.5 लाख के इनामी साबर के साथ दिखा था बल्ली पंडित। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का पुराना ऑडियो वायरल है, ऑडियो में अशरफ हरवारा नाम के एक शख्स को गांव के ही लोगों से पिटवाने की धमकी दे रहा है अतीक। अतीक का वायरल ऑडियो 2016 का बताया जा रहा है, उमेश पाल मर्डर के बाद इसे अतीक की नई धमकी के तौर पर किया जा रहा है वायरल। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।